सफलता मिलनी चाहिए, और नहीं मिली तो देश खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि देश की 70% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? खेती में और भी चीजें आती हैं, जैसे लाइफ स्टॉक है, फार्मिंग है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरी है, ये खेती में आते हैं। तो अगर ये किसान खत्म होगा तो वो भी खत्म हो जाएंगे। और जो एक ग्राम स्वराज का सपना था गांधी जी का, ग्राम स्वराज क्या होता है कि गांव में उसको रोजगार दिया, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटे स्मॉल स्केल के जो कारखाने वो लगाए जाएं, उसको गांव में रोजगार का मौका दिया जाए, ताकि वो शहर में ना आए, कंजेशन ना हो, पोल्यूशन ना हो, इनह्यूमन कंडीशन ना हो। जो आपने आज शहरों में देखते होगे, रेलवे के किनारे झुग्गी झोपड़ी देखी होंगी, सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी देखी होंगी, तो वो मतलब कि माहौल पैदा ना हो, ताकि वो आराम से अच्छी एक अच्छी जिंदगी जी सके, उसके कारण उसको नौकरी देनी पड़ेगा। आज किसान खत्म होगा तो खत्म हो जाएगा। तो आज किसान को बचाने की जरूरत है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये खेती को कैसे खत्म किया जाएगा, तीन कानून तो करेंगे, दो कानून तो सीधा करेंगे, तीसरे कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, दो कानून वापस होने चाहिए, तीसरे का संशोधन होना चाहिए सिर्फ वापस। तो इसलिए इसको खत्म करने की जरूरत है। अगर नहीं होता तो किसान अपने आप ही खत्म हो जाएगा। एमएसपी किसको मिलता है? हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी को, केवल 6% किसानों को, वो इसी इलाके में। हरित क्रांति आई थी तो यहाँ पे एमएसपी लागू हुआ था। तो बंगाल के किसान को आज तक एमएसपी नहीं मिलता, तो बंगाल की किसान की लड़ाई सबसे ज्यादा लड़ाई है, उसको आज तक एमएसपी मिलता। और देश में जो माइग्रेंट लेबर होते हैं ना, मुंबई दिल्ली में आते हैं, बंगाल के यूपी बिहार के सबसे ज्यादा होते हैं, बंगाल के सबसे ज्यादा होते हैं। तो उनको एग्रीकल्चर रिफ्यूजी है ना, हो आज यहाँ के काम करते हैं, इनके कारखानों में पूंजीपति हो गए, तो उनके उनकी लड़ाई सबसे पहले है, तो उनको भी साथ आना चाहिए। तो इसलिए हमारे जो स्वयं किसान मोर्चा की टीम आ गई है। और अब क्या है कि सांप को, सांप की पूंछ काटने से कुछ नहीं होगा, अब सांप को मारना पड़ेगा। तो वहां पर बीजेपी नाम का सांप आपने देखा होगा घूम रहा है कई दिनों से, कोबरा भी बोल रहे हैं, समझ रहे हो? तो उस कोबरा को, सांप को काटना पड़ेगा, हराना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। यदि सरकार नहीं मानती है तो हम जो है कॉर्पोरेट के जो बड़े बड़े संस्थान है, चाहे फैक्ट्रियां हैं, चाहे गोदाम है, अब हम उनको निशाना बनाएंगे, हम उनको अपना अनाज नहीं बनने देंगे उन गोदामों में। बिल्कुल सही बात है। क्यों बात है मुझे बताइए? कंपनियां चलती हैं, कारखाने कैसे चलती हैं? मजदूरों की वजह से। मजदूर कौन है? हम, मैंने बोला ना, माइग्रेंट लेबर आते हैं। लॉकडाउन हुआ जब 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर गए थे, कौन होते हैं वो माइग्रेंट लेबर? जो गाँव से आते हैं, खेती से निकल के आते हैं, जो चौथी पांचवी पीढ़ी आ गए हैं। आप सड़क किनारे चला दो कहीं कहीं भी दिल्ली में, जो रेडी वाले होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, सबसे सबके सब गांव से आते हो, खेती वाले होते हैं। तो हमारी वजह से मुनाफा कमाया है, हमारे देश में रह रहे ना हो। उदाहरण के लिए आप कुछ भी बनाते हो, मीडिया हाउस हो आप, मीडिया खबर छापते हो आप, भी उदाहरण के लिए पूंजीपति हो, खबरें कौन देखता? हम ही तो देखते हैं। तो देश ने आपको बनाया, तो आज देश को आप मतलब बिजनेस बना दिया आपने। आज ही रोटी का सवाल है, रोटी को तिजोरी में बंद नहीं है, उन्होंने दिया जाएगा जो टिकाए सब होते हैं। आज रोटी का आंदोलन है, रोटी पेट में, रोटी की जगह पेट में होती है, रोटी की जगह तिजोरी में होती है। तो रोटी की लड़ाई है, रोटी की रहने दें, इसको वोट की लड़ाई ना बनाएं। कुछ लोग सोच रहे हैं इसको, मैं भी देख रहा हूँ कुछ दिनों से, कि राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। तो रोटी का आंदोलन है, रोटी ही रहने दे। लेकिन सर, जो जिस तरह से आंदोलन लग रहा है, कम होते जा रहे हैं, इससे कैंप थोड़े खाली भी हो रहे हैं। टिकैत साहब ने कहा अभी है कि लाठी लेकर तैयार बैठा है, एक कॉल पर यहाँ मिलेगा, तो लाठी लेकर तैयार बैठा है। और रोटेशन के दौरान हमने भाई एक गांव में टारगेट रखा कि एक गांव से 15 ट्रैक्टर आएंगे, 30 आदमी आएंगे, 10 दिन का राशन लेके आएंगे। तो ऐसा हमने रोटेशन वाइज लगाया है। और ये आंदोलन खत्म करने की बात नहीं है, मैंने बोला ना, अगर वहां चलेगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एमएसपी होने के बावजूद सुसाइड हो रही थी 12,500 वाली, एमएसपी समाधान नहीं था, लेकिन तो एमएसपी भी खत्म कर रहे हैं, देश को खत्म कर रहे हैं। तो वहां पे 12,500 किसान छूटे, किसी ने, पत्रकार ने, किसी बुद्धिजीवी ने, किसी इंटरेक्शन ने कभी एक भी शब्द हो, खबर उठाई हो, कभी नहीं उठी। लेकिन यहाँ 300 मरे तो आज उठी, विदेशों में गई है, सुना का ना ग्रेटा थनबर्ग का नाम, तो आज उठ रही है कम से कम। और आज को और भी ऊंचा उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज एक किसान खत्म होगा तो देश खत्म हो जाएगा। मैंने बोला 70% आबादी है, तो कहाँ जाएंगे? कारखानों में जाएंगे। कारखानों में क्या करेंगे? वो जो माइग्रेंट लेबर के साथ हुआ, 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर के साथ हुआ, सारी उम्र तो उन्होंने पैसा कमाया उनकी उनकी मदद से। जब उनके ऊपर दुख की घड़ी आई तो किराए के पैसे भी दिए, 2,000-2,500 पैदल गए थे किलोमीटर, समझ रहे हो? सर, जो मेघालय के जो गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी, वो बहुत ही कड़ा प्रहार कर रहे हैं सरकार पर। उन्होंने कह दिया है कि 250 किसानों की मौत हो गई है, कोई संवेदना जारी नहीं की गई, और यदि किसी मंत्री की संतरी की कुतिया भी मर जाती है तो लोग संदेश भेजते हैं, दुख प्रकट करते हैं। बिल्कुल है वो, मैं अच्छी बात हो कि हमारे पक्ष में आए हैं, टाइम शुरू में नहीं, अकल आई अभी आई है, क्योंकि समझ रहे हो ना, अच्छी बात है। मतलब पोस्ट पे होता क्या होता है मेरे, मतलब हमने तो बनाया ना पोस्ट, किस चीज के? मोदी जी को हमने बनाया, पोस्ट का क्या मतलब होता है? ये गलत बात है। मैं कहता हूँ उनका कल आई है, नैतिकता कुछ जागी है, उनकी मोरलिटी कुछ आई हुई है, अच्छी बात वो हमारी पक्ष में आए हैं। कुल आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले, लेकिन है झांसी की रानी एक बीजेपी की, उसका नाम है कंगना रनौत, उसका एक सज्जा टूट गया था, पूरा हो हल्ला हो गया था देश में, और पिपली में किसानों के हाथ टूटे थे, एक शब्द भी था इनके पास।
कोई भी घटना उठा के देख लो ना आप, जो सरकार के पिट्ठू है ना, जो करीबी है, चापलूस है, उनके साथ कुछ भी हो जाए सरकार टूट पड़ती है उनपे। तो ये किया जा रहा है, हमारे देश की बेटी का रेप होता है रात में, उसको सौ भी उसको सौंपा जाता है, रात को अंधेरे में उसको जला दिया जाता है, ये हमारी बेटी के साथ होता है। जो उनकी झांसीगरानी उसको वाइस सिक्योरिटी दी हुई है, और हमारी बेटी का रेप होता है, दिन में रेप होता है, रात में तो रेप होता है, आजकल मंदिरों में रेप हो रहा है। सर BSNL MTNL के बाद में एयर इंडिया जो है, LIC के भी कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं, बैंक वाले के भी आ गए हैं, क्या है तुम किसानों का समर्थन मिल रहा है क्या उनको भी? किसानों का समर्थन नहीं है, बात क्या है, छुटपुटी लड़ाई लड़ रहे हैं, इकट्ठे हो गए तो फिर एकदम क्रांति आ जाएगी देश में, फिर तो अकल आ जाएगी इनकी। इकट्ठे हो गए लड़ाई नहीं लड़ रहे, अलग अलग लड़ रहे हैं। आपने देखा ना, कुछ दिन पहले 30,000 में केस हुआ था, वहाँ पे पुलिस वाले और वकील आपस में झड़प गए थे, पुलिस वाले तो क्या मांग रहे, सिक्योरिटी मांग रहे थे, अलग ही देनी उनको होती है, और जस्टिस मांग रहे थे वकील, जस्टिस देते वो हैं, वकील हूँ, ये तो आ रहे नहीं है। आज एक नई मेडिकल पॉलिसी लेके आए हैं, नर्स जो डॉक्टर हैं वो भी हड़ताल पर हैं, किसान हड़ताल पर है, स्टूडेंट विद्यार्थी SSC GD समझ रहे हो, वो भी है, UPSC वाले लेटरल एंट्री, वो भी बचा कौन भाई साहब, इस देश में कोई खुशी नहीं है, आर्मी वाले खाने पीने की शिकायतें कर रहे हैं, तो खुश कौन है इस देश में, कोई भी खुश नहीं है भाई साहब, इस देश का झोला बना दिया, बोल रहे हैं झोला उठा के चला जाएंगे, झोला में ही तो लेके जाएगा जो बेचा है वो सब कुछ, तो इस देश को खत्म किया जा रहा है, इकट्ठा होना पड़ेगा अब, क्योंकि एकता में बल होता है, इकट्ठे हो गए तो क्या औकात है इनकी, हमने तो बनाया ना, हम बिगाड़ भी सकते हैं। अरे भाई साहब बात क्या है कि रैली तो आप रैली करो, चुनाव जी तो कोई दिक्कत नहीं है, बात क्या है, मतलब सीधी सीधी सी बात करते हैं, हम राजनीति नहीं चाहते इस देश में, आप अपनी कुर्सी प्यारी हमारी, हमें अपनी खेती प्यारी है, आपको अपनी राजनीति करनी है, अपनी सत्ता लेनी है, तो हमारी खेती क्यों बेच रहे हो, हमें खेती करने दो, आप चुनाव जीतो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात मैंने बोला ना कि लेकिन अब कानून वापस हो गए, तो क्योंकि सत्ता इनकी है, दूसरे रास्ते से लेके आएंगे, घुमा फिरा के लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, उदाहरण के लिए बता दूं आपको, जो पिछले साल 29 या 30 लेबर लॉ होते थे, उनको 4 लेबर कोड में बदल दिया है, और बोला क्या रैशनलाइज कर दिया है, बुरी चीज का अच्छा नाम रख दिया, वैसे ही खेती के बारे में बोल रहे हैं, तो ये दूसरे तरीके से ले आएंगे, ये इसको सांप को मैंने बोला ना, मारना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इसलिए राजनीति होना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग उनके हाथ में, लॉ मेकिंग उनके हाथ में, वो कुछ। जयदीप जी आप युवा हैं, आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब के लिए, एक आपसे थोड़ा अलग सवाल है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उन्होंने अपनी एक दरखास्त लगाई है, उन्होंने विरोध जताया है कि मेरी नींद हराम हो जाती है सुबह जब लाउड स्पीकर बजता है अजान का। बिल्कुल, मेरी पर्सनल राय यही मत माना, किसानों की बिहाफ में बोल रहा हूँ मैं, धर्म पर्सनल मामला होता सबका, अब बोला भी किसी ने कि मेरे दिल में राम है, हर जगह राम, कण कण राम है, तो उसको मतलब आवाज से क्या होता, मतलब ढोल नकाड़े ये आवाज, मतलब दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए ना, नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए ना, तो मुझे लगता है ये ठीक बोला उन्होंने, और इसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि वोट जीतने होते हैं, बोला ना इस देश में वो चीजें नहीं की जाएंगी जो पॉपुलर होती हैं, जिसको टच करने से वोट घटती है, उदाहरण के लिए रिजर्वेशन इस देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा है, कल परसों खबर आई है कि जो IIM और IIT है ना, उसमें 50% से ज्यादा ST SC और OBC की सीटें खाली पड़ी है, रिजर्वेशन है, और किसी ने बोला कि रिजर्वेशन को खत्म कर दो, आर्थिक हालात पकड़ दो, सब टूट पड़ेंगे, ना कोई आवाज उठाएगा, क्योंकि वोट पड़ी है, क्योंकि आपका खत्म हो चुका ना, कामयाब नहीं रहेगा, 70 साल हो चुके हैं, 10 साल के लिए बोला था 10 साल के लिए इंक्रीज करना है, लेकिन 70 साल हो चुके हैं, आज तक उसको अच्छी तरह इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हो, करने वाले भी तो समझ रहे हो ना, तो इस कारणों कर नहीं सकेंगे इसको, क्योंकि वोट बैंक का चक्कर होता है, टूट पड़ेंगे, हमारा समाज अनपढ़ है, उनको पता नहीं है, वो सोचेंगे तेरे खिलाफ बोल रहे हैं, तो इस बात को समझने की जरूरत है, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं ना, उन पर बात असली मुद्दे की बात होगी नहीं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो ये बात हो रही है देश में। अंत में मैं यही बात कहूंगा कि भगत सिंह ने कहा था कि भगत सिंह की बार बार बात क्यों, पूंजीवाद लागू किया जा रहा है और समाजवाद उल्टा होता है उसका, समाज गरीब किसान मजदूर की बात करता है, तो समाज गरीब किसान की आज बात होनी चाहिए, देश की बात होनी चाहिए, संविधान की बात होनी चाहिए, तो भगत सिंह ने कहा था कि मर दिल में रहेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी, इनकलाब जिंदाबाद।